हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। द मायास चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको द मेन कंपनी के चारकोल इस फेस स्क्रब के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि किस टाइप का ये स्क्रब है। तो गाइस, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको द मेन कंपनी के ही चारकोल फेस वॉश के बारे में बताया और इसकी ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में रिव्यू दिया। तो आज मैं आपको इसके स्क्रब के बारे में रिव्यू देती हूँ। तो चलिए गाइस, अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो ये ब्लैक कलर का क्यूब की तरह इसका पैकिंग की गई है। काफ़ी क्यूट पैकिंग है, मुझे इसकी पैकेज बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, इसका जो नेट वेट है वो 100 ग्राम और इसका सेलिंग प्राइस है 349 रुपीज़। इसको मेरे हस्बैंड ने गाइस अमेज़ॉन से परचेज किया और ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में अमेज़ॉन पे मिल जाती है, या फिर आप इसको आप अपने द मेन कंपनी के स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर चारकोल इंग्रेडिएंट के रूप में प्रेजेंट होता है, जो आपकी स्किन पर जो भी इम्प्योरिटी, गंदगी जो भी प्रेजेंट होती है उसको बाहर निकलता है। और इसके जो स्क्रब के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट पार्टिकल होते हैं, जो आपकी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं चुभते। तो मेंस के लिए ये स्क्रब सबसे बेस्ट स्क्रब रहेगा। मेरे हस्बैंड भी इस स्क्रब को यूज करते हैं तो उनको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है। और इसको चेहरे पर कम से कम दो तीन मिनट तक इससे मसाज करनी चाहिए इस स्क्रब से, जिससे आपके चेहरे की जितनी भी इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल जाएगी। और स्क्रब फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके चेहरे पर काफ़ी सारी डेड सेल इकट्ठी हो जाती है, उनको हटाने के लिए स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैन और वुमेन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर ये मैन का स्क्रब है। और आपके चेहरे पर जो भी गंदगी है उनको भी हटाने का ये स्क्रब काम करेगा। और आप पूछेंगे कि स्क्रब कितनी बार करना चाहिए, तो गाइस हफ्ते में 2 बार स्क्रब ज़रूर करना चाहिए आपके चेहरे पर, क्योंकि अगर आप स्क्रब नहीं करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, तो स्किन नहीं अच्छी लगती है। तो इसीलिए स्क्रब करने से आपकी स्किन पर एकदम इंस्टेंट ग्लो आता है, एकदम रेडिएंट स्किन लगती है। और स्क्रब के बाद आप मुल्तानी मिट्टी या कोई भी फेस पैक लगा सकते हैं, तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई महंगा फेशियल किया हुआ है। तो कैसे एक बार इस स्क्रब को ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।